انت سوقي طاير دي لا مرودري قبطري قبطري يا اخا كنت كذا ولا زبط حبيبي بھائی دور آ کے لا کے دیکھ کے پھر اس بھی لا دی شبا بھائی میں تو پہلا میں تو بھی چیک کر کے میرا بڑا تھوڑا چھوٹا ہے چھ اور جان نے وہ بہت بڑا ہے السلام علیکم تمام دیکھنے والے بھائیوں کی میری طرف سے السلام علیکم آج کا فائنل میچ بلڑ بادشاہ بمقابلہ اعجاز جاری کس آپ کو بتاتا چلوں یہ پہلا علاقائی جاڑ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج پانچ پانچ اوور پر مشتمل لیا آج کا فائنل اوپننگ بلے باز بلڑ بادشاہ کی جانب سے اکبر علی جب کہ ان کا ساتھ دیں گے ان فارم بیٹس فائنل میچ کی پہلی بال کرائیں گے اعجاز فیس کریں گے اکبر علی لیٹس سٹارٹ پہلا بال ایکسٹرا کے ساتھ وائٹ بال کیا ہے اعجاز نے آج کے اس فائنل کے چیف گیسٹ یوسف ایوب جو کہ تھوڑی دیر بعد میں گراؤنڈ آمد ہوگی ان کی اور اگلا بال اکبر علی نے اٹھا کے کھیل لیا چار رن کے لیے پہلی باؤنڈری اکبر علی کے بلے سے چار رن کی صورت میں پانچ رن پہ جا پہنچا سکور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اوپننگ بلے باز اکبر علی جب کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں دانش نیٹ کا ایشو آ رہا ہے معذرت کے ساتھ پہلا نقصان ہوا بلڑ بادشاہ کو اکبر علی کی صورت میں ایک آسان کیچ تھمایا فیلڈر کے ہاتھوں میں اور پویلین کا راستہ اختیار کیا ون ڈاؤن پوزیشن پہ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں صداقت اور باکو اعجاز نے اپنی ٹیم کو بریک تھرو دلوایا اکبر علی کی صورت میں ایک اچھے بلے باز کو پویلین کی راہ دکھائی فیس کریں گے دانش فیلڈز کو ترتیب دیتے ہوئے اعجاز بھاگنا شروع کیا اعجاز نے آئے اور دیکھنا پڑے گا یہ امپائر کا فیصلہ دو رن ایک رن کو دو رن میں کنورٹ کیا مس فیلڈنگ کی وجہ سے اعجاز اور عمدہ شاٹ دانش کے بلے سے کلائیوں کا استعمال کیا اور بال کو بھیجا باؤنڈری سے باہر چھ رن کے لیے پہلا چھکا بلڑ بادشاہ کی ٹیم کی جانب سے اور دانش کی جانب سے بھی پہلا چھکا کافی بال اٹھائے لگنے کے بعد اور
बैट्समैन के कांधों को छूता हुआ थर्ड मैन की जानिब गया, एक रन का इजाफा। अच्छा कमबैक किया था इजाज ने इस बार। फेस करेंगे सदाकत बाको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राउंडर में शुमार होता है सदाकत बाको का। काफी सोचो विचार के बाद बॉलर ने भागना शुरू किया। आए और एक रन बना और स्ट्राइक्स लिया दानिश ने। आई थिंक ओवर का खत्म हुआ है। स्कोर कितना हुआ है? 1 ओवर के नुकसान पे 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर 15 बल्लर बादशाह का। दूसरा ओवर कराने के लिए आ रहे हैं गुल। इजाज जारिकास की टीम की जानब से दूसरा ओवर कराएंगे गुल। फेस करेंगे सदाकत बाको दराज कद के मालिक गुल। शॉर्ट पिच डिलीवरी करने के बड़ी महारत रखते हैं गोल और वही बॉल की उन्होंने जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये शॉर्ट पिच डिलीवरी करने के काफी महारत रखते हैं। पहला बॉल अच्छा किया था गुलजमान ने। दूसरा बॉल और हल्का सैज हुआ, नीचे फील्डर आ रहे हैं लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखा दानिश ने। दो बॉलें हो चुकी हैं गुलजमान की, दोनों अच्छी डिलीवरी थी। खुल के खेलने नहीं दे रहे बल्लेबाज को गुलजमान। फेस करेंगे दानिश फ्रॉम बल्लर बादशाह और उठा के खेल दिया 6 रन के लिए, 4 रन के लिए। स्ट्रेट अंपायर हबीब का इशारा कि ये 4 रन। गुलजमान ने भागना शुरू किया और उठा के खेल दिया। इस बार यकीनन छक्का होगा और ये छक्का बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम दानिश बैट। ये तबसरा किया जा रहा था कुछ टाइम पहले कि अगर दानिश खड़े रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छा टारगेट सेट करके चले जाएंगे। इजाज जारिकास की जानब से भी ये पूरी कोशिश है कि दानिश की विकेट ली जाए किसी तरह। बॉल और बैट के दरमियान जंग जारी है। गुलजमान दराज कद के मालिक अंपायर को क्रॉस किया, आई बॉल की और फ्लिक अंदाज में खेल दिया 6 रन के लिए। चौका छक्का और फिर छक्का, 3 बॉलों पे 3 बाउंड्रीज। एक मिनट सब्र कर अली उस्ताद हो इधर फिरो यार शेखा। आज का ये फाइनल बल्लड़ बादशाह ब मुकाबला इजाज जारिकास के दरमियान खेला जा रहा है। 5-5 ओवर पर मुश्तमिल ये आज का फाइनल मैच। आज के चीफ गेस्ट यूसुफ अयूब। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन काफी तंग कर रहा है फील्डर्स को।
गुल जमान काफ़ी सोच विचार के बाद भागना शुरू किया है बॉल की, और दानिश ने अगेन खेल दिया 6 रन के लिए, 4 बॉल पे 4 बाउंड्रीज ओवर। स्कोर 10 दे करो यारा। दो ओवर के अख्ताम पे 38, 1 विकेट के नुकसान पे। अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 3रा ओवर कराने के लिए टीम के स्किपर इजाज बॉलिंग कराएंगे। पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा, स्कोर 15 दिए थे लेकिन एक विकेट जरूर हासिल की थी इजाज ने अकबर अली की। चल शाबा इजाज, थ्रो का फुल टॉस बॉल थी, ग्राउंड शॉट खेल दिया 1 रन के लिए। दिफाई अंदाज में अकबर बाको ने फेस दिया दानिश को। अभी तक दानिश की जनाना बैटिंग जिसमें 4 से 5 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। रजवान भाई अकबर अली आउट हुआ है जी। और आ गया कमरा ना ऐसा फेर यार इधर आवे। स्टार्ट इजाज जारी का बमुकाबला बल्लड़ बादशाह। आज का बड़ा मैच, फाइनल मैच, आज के चीफ गेस्ट यूसुफ अयूब फखरे हजारा। चल शाबा इजाज, अच्छा बाल, इस बार भी बिल्कुल खुल के नहीं खेलने दिया बल्लेबाज को इजाज ने। मैं देख रहा हूँ क्राउड की काफ़ी तादाद जो कि ग्राउंड का रुख कर रही है। इजाज आए और स्लोर अगेन, सेम बॉल था लेकिन इस बार रिजल्ट सेम नहीं था। इस बार 6 रन के लिए खेल दिया दानिश ने। तीसरा ओवर जारी है पहली इनिंग का। इजाज है बॉलर, दानिश है बैट्समैन, और अगेन कलाइयों का इस्तेमाल किया, और इनकी ये खूबी है कि ये कलाइयों के सारे फ्लिक के साथ ही छक्का मारते हैं। उम्दा शॉट दानिश के बल्ले से। काफी अच्छी साइड है इजाज जारी कस की भी, जिसमें अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन इस बार ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन बाल नीचे रहा। 1 रन पे इतफाक करना होगा। तीसरे ओवर का लास्ट बॉल फेस करेंगे सदाकत बाको। अच्छा बाल, अच्छा कमबैक इजाज की जानब से, डॉट बॉल करने में कामयाब हुए हैं।
अमीन को तलब किया है इजाज ने चौथा ओवर कराने के लिए। तीन ओवर के अख्ताम पे 54 बल्लड बादशाह का स्कोर 54। जो सामने शायकीन बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ कुर्सियों पर आ जाएं। ओपन कमेंट्री के सरंजाम दे रहे हैं नदीम दाइम। झाड़ इलाकाई क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में खेले जाने वाला आज का जो फाइनल दिन दो टीमों के माबैन खेला जा रहा है भल्लड़ सुल्तान वर्सेस अपने कोटे का पहला और इनिंग का चौथा ओवर कराएंगे मोहम्मद अमीन। फेस करेंगे इनफॉर्म बैट्समैन दानिश। बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए एक ओवर में चार लगातार छक्के लगाकर जो आखिरी ओवर इजाज ने फेंका तो उसमें तीन लगातार छक्के लगाने में कामयाब हुआ मोहम्मद अमीन। यंग बॉलर है मोहम्मद अमीन, देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं। और हल्का सा बॉल किया था, चेंज द पेस डिलीवरी की थी और ड्रॉप किया और ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है ये कैच ड्रॉप करना। बल्लेबाजी का बजाय यहां पर दानिश दिखा रहे हैं ये कैच, देखते हैं कितना नुकसानदेह हो सकता है टीम इजाज झारी का 11 के लिए। स्किपर खुद थे जो कैच के नीचे आए थे, एडजस्ट हुए थे, आखिरी लम्हे अपने हाथों को आगे घुमाया था और गेंद उनके भाई। अच्छी डिलीवरी की थी मोहम्मद अमीन ने लेकिन फील्डर की कोताही से ये बॉल ड्रॉप हुआ। दोनों फील्डर आए बाल को थामने के लिए लेकिन कोई फायदा ना हुआ। दूसरा बॉल कराएंगे मोहम्मद अमीन, फेस करेंगे दानिश। ओ व्हाट अ शॉट, क्या छक्का मारा है दानिश ने, काफी हाइट पे बॉल थी और इसी के साथ दानिश की 50 मुकम्मल हुई। ये फाइनल की 50 दानिश की जानब से अपनी टीम के लिए काफी कारामद साबित हो रही है दानिश की बैटिंग। मोहम्मद अमीन तीसरा बॉल करेंगे, फेस करेंगे दानिश और स्लोअर बॉल थी, एक रन और दो रन भी मुकम्मल। अपील कर रहे हैं लेकिन नॉट आउट, लेग अंपायर की जानब से ये फैसला कि ये नॉट आउट। तीन बॉलें हो चुकी हैं चौथे ओवर की, मोहम्मद अमीन बॉलर, फेस कर रहे हैं दानिश। 64 दो पालो इन त्रै पालो चौथे ओवर के खेल में 64 रन और अकबर अली के बारे में बताता चलूं एक छक्का लगाने के बाद दानिश इन फॉर्म बल्लेबाज अभी तक क्रीज पे मौजूद और ऑफ स्टंप पे बॉल की थी, काफी उम्दा डिलीवरी मोहम्मद अमीन की, एक छक्का जरूर लगा है मोहम्मद अमीन का लेकिन बाकी मादा बाले उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। दाद देनी पड़ेगी इस तरह के मैच में, इस तरह की बॉलिंग करना। ओ अच्छा बॉल, चेक कर रहे हैं लेग अंपायर के ये आउट है, क्रीज के अंदर है बल्ला या बाहर है। रफ्ता रफ्ता शायकी ने क्रिकेट की तादाद दाएं बाएं से ग्राउंड की जानिब आते हुए तमाम को खुशामदीद करता हूं। एंड ये चमकती हुई जो सामने सुनहरी ट्रॉफियां नजर आ रही हैं, देखते हैं इसमें जो दाएं हाथ पे खड़ा है विनिंग टीम के किसके मुकद्दर में जाती है और दाएं लेग अंपायर का इशारा कि ये नॉट आउट। देखते हैं किसके मुकद्दर में ये ट्रॉफी पहुंच गए थे दानिश, छोटी जगमगाती हुई ट्रॉफियां, मैन ऑफ द मैच, आई थिंक बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। मुश्किल का शिकार नजर आती है इजाज झारी का 11 की टीम क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी का काफी उम्दा बॉलिंग लेकिन कोई खातर खा फायदा नहीं मिल रहा, अमीन को विकेट नहीं मिल रही लेकिन अपनी बॉलें डॉट करते जा रहे हैं। एक छक्का सिर्फ लगाया अमीन को, लास्ट बॉल है चौथे ओवर का लास्ट बॉल, फेस करेंगे दानिश फ्रॉम बल्लड बादशाह।
इस बार लेग स्टंप से बार बॉल स्ट्रेट अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल एक्स्ट्रा के एक रन का इजाफा मोहम्मद अमीन लास्ट डिलीवरी करेंगे अपने चौथे ओवर की और बैक टू बैक एक्स्ट्रा वाइड की सूरत में काफी नुकसान दे सकता है बॉलिंग साइड को ये स्कोर एक्स्ट्रा का स्कोर लेकिन आज मायूस मोहम्मद अमीन भागने शुरू किया है और फुल टॉस बॉल बीमर बॉल था और लेग अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल फ्री हिट अवेल करेंगे सदाकत बाको दो रन का इजाफा होगा एक्स्ट्रा का खाता खोल रहे हैं काफी रन दे चुके हैं मोहम्मद अमीन लास्ट बॉल फ्री हिट फेस करेंगे सदाकत बाको बॉलर हैं मोहम्मद अमीन देखते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं और या नहीं उठा सकते और अच्छा बॉल अच्छा कमबैक देखा जाए तो अच्छा और गुजरा है ये चौथा ओवर इजाज़ जारिकस की जानब से पांच ओवरों के इख्तिताम पर 68 रन एक मिनट के नुकसान पर ओवर हो गया बाको जो थोड़ी देर कब तक जब मैं यहां आया था करीब 3-15 फीट तो तमाम बाको दिखाई दे रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायकी निकली छप्पर के स्पोर्टर्स सीट अप फिल करते हुए नजर आते पहली इनिंग का आखिरी और कोटे का पहला ओवर कराएंगे अख्तर जमान बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं अच्छे राउंडर में शुमार होता है अख्तर जमान का फेस करेंगे दानिश अभी तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा दानिश की जानब से देखते हैं लास्ट ओवर कितना कारामद साबित होता है बॉलिंग साइड के लिए या बैटिंग साइड के लिए अख्तर जमान फेस करेंगे दानिश ओ पहली बॉल पे 6 रन यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी कोई गलती नहीं की इस बार दानिश ने गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी स्किपर समझा रहे हैं कि किस तरह से बॉल करना है किस तरह से रोके रखना है बल्लेबाज दानिश को टिप्स दे रहे हैं कीमती मशवरे दे रहे हैं भरपूर अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दानिश नो डाउट 65 रन पर 8 छक्कों की मदद 65 स्कोर पे जा पहुंचा दानिश का इंफरादी स्कोर अख्तर जमान अपने कोटे का पहला दूसरी बॉल करेंगे अख्तर जमान ओ उठा के खेल दिया नीचे आ रहे हैं फील्डर और इस बार भी कैच ड्रॉप किया और 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन का इशारा दिया है फ्रंट अंपायर ने अपने फैसले को वापस लेते हुए कि ये 2 रन वापस लिए तो छोड़कर 2 रन मुकम्मल किए 2 रन अख्तर अदनान इसी 2 रन का इजाफा अदनान बाला जम गया इसी तीसरा बॉल करेंगे अख्तर जमान पहले बॉल पे छक्का दूसरे बॉल पे 2 और तीसरा बॉल देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे ओ ये 100 मीटर का छक्का लगाया दानिश ने फजा से बातें करते हुए ये छक्का एक विकेट गिरने के बाद संभाला टीम को दानिश ने और अच्छा संभाला अभी तक छक्के और चौके देखने को मिल रहे हैं दानिश की जानब से
तीन बाले हो चुकी हैं, आखिरी ओवर की तीन बाले। एक डरावना ख्वाब साबित हुए हैं दानिश आज टीम इजाज 11 के लिए। चौथा बॉल करेंगे अख्तर जमान। अच्छा बॉल किया था अपनी विकेट डोनेट की है सदाकत बाको ने, स्ट्राइक दिया दानिश को। अख्तर जमान काफी प्रेशर से दो चार। अख्तर जमान, ओ अगेन अच्छा बॉल अख्तर जमान की जानब से। त्रिचार बढ़ाना लास्ट बॉल करेंगे अख्तर जमान, फेस कर रहे हैं दानिश हुराम बल्लड़बाज शाह। देखते हैं लास्ट बॉल अगर डॉट करते हैं तो अच्छा ओवर समझा जाएगा। जनाब यूसुफ अय्यूब खान साहब की आमद मुतवक्क है यहां आज के इस फाइनल में। फेस करेंगे दानिश, लास्ट डिलीवरी पहले इनिंग की, ओ व्हाट अ शॉट, नीचे आ रहे हैं फील्डर। 6 रन के लिए खेल दिया दानिश ने, टारगेट दसी हुए टारगेट दानिश ने। और मैं अक्सर देखता हूं हार्ड क्रिकेट में इस तरह की टाइमिंग नजर आती है, लेकिन अब टेनिस में भी आम हो चुकी है। कमेंट कार छोड़ना। और खूबसूरत और दीदा जेब ने खेलने के बाद पवेलियन की जानिब नॉट आउट जाते हुए दानिश डग आउट की तरफ से तालियों के साथ शब्दों में 89 रन बनाए और 90 रन का टारगेट दिया है। सेठ मौजूद है यहां पर, सेठ तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट का। अगर मेरे पास मौजूद तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि कितना से चेस कर पाएंगे कि नहीं। सेठ पर लीड करते हुए चार जारी कास को, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका तल्लक चार से है, तो यहाँ जितने भी शायकीन है महसूस करता है कि इजाज 11 जारी कास की टीम को सपोर्ट करते हुए। यहाँ शायकीन के लिए और प्लेयर्स के लिए शुक्रिया कि इंसान साहब यहाँ पर मौजूद है और कम ही देखने में आया गुर्रा हजरात, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर शुमार करूंगा कि आज कराची के कारी लेकिन बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है, बड़े जबरदस्त छक्के लगाते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मैं अक्सर उन्हें देखता रहता हूँ। लंबे लंबे कारी हमीद नाम है उनका और बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है। कारी साहब आप भी ग्राउंड के मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन शायद खेलते हो अपनी जवानी के दिनों में। गुजर गया लेकिन जल्दी जवान है इसलिए यहाँ पर मौजूद है इस मैच से लुत्फंदोज होते हुए। 90 रन का टारगेट दिया है एग्जैक्टली 18 रन की औसत से रन दरकार है ये मैच जीतने के लिए पर ओवर। और दानिश के बारे में मेरे साथी स्कोर ने मुझे बताया है 10 छक्कों की मदद से 78 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है दानिश ने और आज फाइनल मैच के मैच जो भी जीते लेकिन मुझे हीरो नजर आते हैं 10 छक्कों की मदद से 78 रन नॉट आउट की सूरत में दानिश। और न सिर्फ छक्के बल्कि इंतहाई धीरा जेब और दिलकश छक्के लगाए थे दानिश ने। जी बिल्कुल मैच ऑफिशियल्स अंपायर से रिक्वेस्ट है, अंपायर जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। अंपायर और स्किपर्स अकबर अली, सॉरी टू इंटरप्ट यू अकबर अली, अगर आप मुनासिब समझते हैं देखेंगे और इजाफी खेल लें क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट थोड़ा लेट है। जी अगर आप ओवर नहीं खेल रहे तो फिर थोड़ा वेट करेंगे दूसरी इनिंग के लिए। जी थैंक यू अकबर अली। तो यहां पर पहली इनिंग का अख्तिताम हुआ जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अकबर 11 बल्लेबाज शाह की टीम ने दानिश के 78 रन की बदौलत 90 रन का टारगेट सेट किया है। 10 धुआंधार छक्के लगाए थे आज अकबर अली, कुछ अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए लेकिन
अच्छा बैकअप रहा दानिश की तरफ से। पांच रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे, बाद गिरने वाली विकेट अकबर की थी, जो पांच रन बनाने के बाद एक चौके की मदद से पवेलियन लौटे थे। उसके बाद विकेटों को तरसते रही है टीम जारी कस। टारगेट दोबारा स्टार्ट करते हैं। सही और मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को, जरूर क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे सामने ग्राउंड के ऐसे कभी देखने में आया है कि ग्राउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने खूबसूरती से फाइनल तक पहुँचाना। इस आज के फाइनल के चीफ गेस्ट यूसुफ अयूब की आमद थोड़ी सी लेट हो गई है, लिहाजा ये मैच दूसरी इनिंग थोड़ी सी डिले शुरू होगी, थोड़ी देर बाद शुरू होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।